अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लास्ट टाइम जो आपने टॉपिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, ये उसी के अंडर आता है। यहाँ पर जिस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ी थी, इसी के अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी इसी के अंडर आप करेंगे। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि ये वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर एटीपी फॉर्मेशन होती है। और एटीपी फॉर्मेशन किस वजह से होती है? जब इलेक्ट्रॉन एनएडीएच और एफएडीएच2 से ट्रांसफर होते हैं ऑक्सीजन की तरफ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। ये वही डेफिनेशन है, उसी की समरी लिखी हुई है जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपने पूरा टॉपिक पढ़ा था। ये उसी के बारे में लिखा हुआ है कि किस तरह से हाइड्रोजन जो है वो एनएडीएच और एफएडीएच2 से ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और ये मेजर सोर्स है एटीपी का। ये एटीपी लिखा हुआ है, मेजर सोर्स है एटीपी का एरोबिक ऑर्गेनिज्म्स के लिए। एरोबिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, और एनारोबिक वो होते हैं जिनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक वो होती है डेट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये आप इसकी डेफिनेशन करेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर। और अगर इसके अंदर प्रोसेस आए तो आप यही वाली लिखेंगे जो आपने पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर कंसीडर की थी, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड है। बाकी इसकी डेफिनेशन ये बता दी गई है। इसके बाद आता है एनारोबिक रेस्पायरेशन, जो कि आपका यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा कि व्हाट इज एनारोबिक रेस्पायरेशन एंड एनर्जी बैलेंस इन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। जहाँ पर आपने कीमियोस्मोटिक मॉडल किया था उसकी, जहाँ पर ये एंड हो रहा था, इससे नीचे वाला टॉपिक जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। ये है एनारोबिक रेस्पायरेशन के बारे में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पायरेशन क्या चीज़ होती है, किन किन वेज में होती है, इसके अलावा किस तरह से एनर्जी बैलेंस होता है एरोबिक और एनारोबिक दोनों रेस्पायरेशन के अंदर। तो एनारोबिक रेस्पायरेशन बेसिकली वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये होती है, और इसके अंदर फाइनल एक्सेप्टर जो होता है वो ऑक्सीजन नहीं होता। एरोबिक रेस्पायरेशन के अंदर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो ऑक्सीजन होता है, लेकिन इनऑर्गेनिक के अंदर ऑक्सीजन की जगह पर और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रेट, सल्फेट, ये एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर काम करते हैं। इसके बाद आती है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो है ये भी एनारोबिक पाथवे का एक पार्ट है, और इसके अंदर जो ग्लूकोज होती है उसकी और बाकी जितने भी कंपाउंड होते हैं उनकी डिग्रेडेशन जो है वो ऑक्सीजन के बिना होती है, क्योंकि फर्मेंटेशन भी एनारोबिक का पार्ट है। एनारोबिक पाथवे को ही फॉलो करता है, इस वजह से इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंट होती है। फर्मेंटेशन के अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो होता है हाइड्रोजन का फाइनल एक्सेप्टर। फर्मेंटेशन टू टाइप्स की होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फिर लैक्टेट फर्मेंटेशन। इसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कहते हैं और अल्कोहल फर्मेंटेशन भी इसको कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि अल्कोहल फर्मेंटेशन क्या है और लैक्टेट फर्मेंटेशन क्या चीज़ है। अल्कोहल फर्मेंटेशन जो है वो कुछ प्लांट्स के अंदर, इसके अलावा यूनिसेलुलर फंजाई फॉर एग्जाम्पल यीस्ट वगैरह के अंदर होती है। इसके अंदर जिस तरह से ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होती है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, सेम इसी तरह से सब कुछ होता है, पायरुवेट बन जाता है। लेकिन जब पायरुवेट बन जाता है तो वो एसिटाइल कोए के अंदर चेंज नहीं होता। इनफैक्ट ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से जो सेल्स हैं वो स्प्लिट, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पायरुवेट के अंदर से रिमूव हो जाती है, और इवेंचुअली वो इथाइल अल्कोहल बन जाता है। जहां पर एसिटाइल कोई बनना होता है वहां पर इथाइल अल्कोहल बन जाता है ड्यू टू रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी पाइरूवेट। अल्कोहल फर्मेंटेशन जो है वो यूज होती है बियर, वाइन और बाकी अल्कोहलिक चीजें बनाने के लिए, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन के लिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ये यूज होती है। इसके अलावा ये फर्मेंटेशन जो राइस की जो फील्ड होती है, अक्सर औकात जब उसके अंदर बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो जाती है, तो उस केस में भी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वहां पर स्टार्ट हो जाती है।
क्योंकि पानी जितना ज्यादा हो जाता है प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन की, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा कमी हो जाती है, जिस वजह से वहां पर ऑक्सीजन इनफ ना प्रेजेंट होने की वजह से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा ये फर्मेंटेशन जो डफ वगैरह होती है, ब्रेड वगैरह होती है, इनको राइज करने के लिए, इनको फुलाने के लिए भी ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस यूज होती है। देन नेक्स्ट आती है लैक्टेट फर्मेंटेशन। लैक्टेट फर्मेंटेशन ऐसी प्रोसेस है जो कुछ फंजाई और इसके अलावा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर भी सबसे पहला प्रोसेस जो है वो सिंपली होता है ग्लाइकोलाइसिस का, जिसके अंदर पाइरूवेट जो है वो प्रोड्यूस होता है। लेकिन जिस तरह से लास्ट टाइम हमने देखा कि पाइरूवेट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर इथाइल अल्कोहल के अंदर चेंज हो जाता है, इन द सेम वे लैक्टेट फर्मेंटेशन के अंदर जो पाइरूवेट होता है वो लैक्टेट के अंदर चेंज हो जाता है। और ये लैक्टेट फर्मेंटेशन बैक्टीरिया तब यूज करते हैं जब मिल्क को उन्होंने, जैसे दूध अक्सर खट्टा हो जाता है तो उसकी रीजन होती है लैक्टेट फर्मेंटेशन होती है। अगर फ्रिज को टाइमली अगर दूध को टाइमली फ्रिज के अंदर ना रखा जाए तो अक्सर औकात वो खराब हो जाता है। गर्मियों में ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जल्दी होती है, उसकी रीजन होती है लैक्टेट फर्मेंटेशन। इसके अलावा गोभी का अचार वगैरह बनाने के लिए भी ये फर्मेंटेशन जो है वो यूज होती है। ह्यूमन मसल्स के अंदर भी लैक्टेट की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जाती है तो मसल्स के अंदर पेन स्टार्ट हो जाती है। उसकी रीजन होती है कि जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की जाती है या फिर किसी कभी बहुत अरसे बाद कोई गेम खेली जाती है तो मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाती है। उसकी रीजन ये होती है कि ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, इसी वजह से ज्यादा भागने की वजह से या फिर एक्सरसाइज करने की वजह से सांस चढ़ने लग जाता है। उसकी रीजन ये होती है कि ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है तो बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाती है, और उसकी वजह से लैक्टेट जो है या फिर लैक्टिक एसिड जो है वो बॉडी के अंदर जमा होने लग जाता है, जिसकी वजह से बाद में फटीग, थकावट वगैरह और ये चीजें सारी स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी बैलेंस इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, के किस तरह की एनर्जीज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, कितने एटीपी जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। फर्मेंटेशन की निस्बत एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस है। उसकी रीजन ये है कि फर्मेंटेशन में और बाकी एनारोबिक प्रोसेसेस के अंदर प्रॉपरली ऑक्सीडाइजेशन नहीं होती। अल्कोहल की वजह से जो कंपाउंड बनते हैं उनके अंदर काफी एनर्जी होती है, इवन वो एज अ फ्यूल भी यूज हो सकती है। और लैक्टेट से बनने वाली एनर्जी जो होती है वो अल्कोहलिक कंपाउंड से भी ज्यादा होती है। इसके अलावा एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की जाए तो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस होती है, इस वजह से उसके अंदर जो एनर्जी कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। फर्मेंटेशन की वजह से अगर फॉर एग्जाम्पल एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और उसकी फर्मेंटेशन होती है तो उसका जो नेट प्रोडक्ट होगा वो सिर्फ 2 ATP होंगे। लेकिन अगर वही एक ग्लूकोज जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू चलेगा तो उसके थ्रू 36 to 38 ATPs प्रोड्यूस होंगे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की वजह से। तो ये एनर्जीज एनर्जीज आपने याद करनी है कि फर्मेंटेशन की वजह से नेट एटीपी सिर्फ 2 बनते हैं फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जबकि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, एरोबिक रेस्पिरेशन हो, तो 36 to 38 ATPs जो है वो नेट प्रोडक्शन में मिलते हैं। अगर एनर्जीज को इस तरह से कंपेयर किया जाए कि एक सेल है वो एरोबिकली काम कर रहा है और एक सेल है जो एनारोबिकली काम कर रहा है, तो एनारोबिकली जो सेल काम कर रहा होगा उसको 20 टाइम्स ज्यादा ग्लूकोज एनर्जी या कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होंगे एज कंपेयर टू वो सेल जो एरोबिकली परफॉर्म कर रहा होगा फंक्शनिंग। तो एनारोबिकली अगर एक सेल काम करता है तो उसको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, और एरोबिकली जो सेल काम करेगा उसको कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए होगी, और इसके अलावा एरोबिकली जो नेट प्रोडक्शन होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एनारोबिकली। तो एनारोबिक जो है उसको काम करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है लेकिन प्रोड्यूस कम एनर्जी करता है, और एरोबिक जो है उसको काम करने के लिए कम एनर्जी चाहिए और प्रोड्यूस वो ज्यादा एनर्जी करता है। तो ये एनर्जी बैलेंस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। इसके अलावा आपने देखा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की डेफिनेशन, और इसके अलावा आपने देखा
एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और किस तरह से डिफरेंट टाइप की फर्मेंटेशन जो है वो की जाती है।